गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, ये आपका इंग्लिश में लेसन नंबर 16 है, द इंटरनेट एज अ पोस्ट ऑफिस, इंटरनेट पोस्ट ऑफिस के रूप में। आप लोगों को इंटरनेट के बारे में तो सब कुछ पता होगा, आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा और इंटरनेट आप लोग यूज़ भी कर रहे हैं कि इंटरनेट आज के ज़माने के लिए यानी कि आज के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेट के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो वीडियोस को देखने के लिए, मैसेजेस को देखने के लिए हमें इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क दैट कनेक्ट्स अदर नेटवर्क एंड कंप्यूटर, यानी कि इंटरनेट जो होता है वो पूरे संसार में एक ऐसा जाल है जो हमें दूसरे नेटवर्क से और कंप्यूटर से जोड़ता है। इंटरनेट गिव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक न्यूज़ अपडेट, रेल रिजर्वेशन, ईमेलिंग एंड चैटिंग। इंटरनेट जो होता है वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियाँ देता है, जैसे कि न्यूज़ की अपडेट देता है कि कैसे कैसे न्यूज़ आ रही है, न्यू न्यूज़ कौन सी है, वो सारी हमें अपडेट देता है। रेल में हम अपनी टिकट कैसे कन्फर्म करें, रिजर्वेशन कैसे कराएँ, वो सब हमें बताता है। हम इंटरनेट के थ्रू ईमेल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। वेयर वी कैन टॉक टू द पर्सन हु इज़ नॉट इन अवर कंट्री, यानी कि हम किसी से भी चैटिंग और मेल कर सकते हैं जो हमारी कंट्री में नहीं होते हैं, उन व्यक्तियों से भी हम बात कर सकते हैं। इट हेल्प्स डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क विद सिमिलर कंप्यूटर टू कंप्यूटर विद ईच अदर यूजिंग अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, यानी कि ये हमारी सहायता करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, OS जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, उसके द्वारा ये हमारी सहायता करता है जिससे हम एक जैसे कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर को एक प्रोटोकॉल के द्वारा जोड़ सकते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर जो होता है, एक हमारा कंप्यूटर है, उसके द्वारा हम बहुत सारे कंप्यूटर को चला सकते हैं। ठीक है, लेट अस हैव अ लुक एट द टेक्निकल टर्म ऑफ द इंटरनेट, यानी कि हमें इंटरनेट के कुछ टेक्निकल यानी कि जो तकनीकी टर्म हैं उन्हें देखना चाहिए। जैसे कि ISP है, ISP मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, गिव्स द इंटरनेट सर्विस टू यूज़र अगेंस्ट अ फी, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो इंटरनेट सर्विस वाले को, जो इंटरनेट को यूज़ करता है उससे वो फीस मांगते हैं। यानी कि अगर हमें नेट चलाना है तो हमें अपने फ़ोन को रिचार्ज कराना पड़ेगा, तो वही चीज़ इसमें दी गई है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, जब वो किसी को इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं, प्रदान करते हैं, तो वो उनसे फीस मांगते हैं। अ मॉडर्म रिक्वायर्स टू कम्युनिकेट विद यूज़र एंड ISP। जो मॉडर्म होता है, मॉडर्म क्या करता है, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर लाइन में जोड़ता है और कंप्यूटर लाइन को टेलीफोन लाइन में जोड़ता है। तो जो मॉडर्म होता है वो बातचीत करने के लिए यूज़र में और ISP के लिए यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कैसे, डैट इज़ अ कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट वाया टेलीफोन लाइन्स, क्योंकि जो मॉडर्म होता है वो टेलीफोन लाइन्स के द्वारा यूज़र को और ISP को, यानी कि यूज़र जो यूज़ करने वाला होता है उसे और ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को एक दूसरे से जोड़ता है। उसके बाद है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW इज़ अ सीरीज ऑफ सर्वर डैट आर इंटरकनेक्टेड आर कॉल्ड वेब सर्वर, यानी कि WWW जो होता है, WWW जो होती है वो एक ऐसी सीरीज होती है सर्वर की जो आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। ठीक है, इंटरकनेक्टेड मतलब आपस में जोड़ना, जिसे हम वेब सर्वर कहते हैं। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर ऑन दीज सर्वर, यानी कि इस वाले सर्वर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल फ्रॉम द वेब इज यूज़र फ्रेंडली एंड हैज़ एडेड टू द पॉपुलाइजेशन ऑफ द इंटरनेट, यानी कि ये जो WWW होता है वो हमारे जो वेब होता है, यानी कि जो हमारा नेट होता है, जो हमारा इंटरनेट वगैरह होता है, उसे फ्रेंडली बनाता है कि हम उसके द्वारा किसी से भी फ्रेंडली तरीके से बात कर सकते हैं और इंटरनेट में किसी को भी वहाँ से जोड़ सकते हैं।
ठीक है, तो आपको इस वाली लाइन में, इस वाले पैराग्राफ में सबसे पहले हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा, फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पढ़ा, फिर वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ा।